अब अर्बन जंगल वाला फॉन्ट का ट्रेंड ख़त्म अब आ गया है, दूसरा न्यू वाला ट्रेंड। जी हाँ, ये जो फ़ोटो देख रहे हो ना, ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, इंस्टा पर हो या टिकटॉक पर या फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ऐसे फ़ोटो कैसे बना सकते हो 2-3 क्लिक में, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ। उससे पहले छोटा मोटा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को। तो ऐसे फ़ोटो बनाने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन चाहिए, एक है पिक्सल लैब एप्लीकेशन और दूसरा है फोटो लैब करके। ये दोनों एप्लीकेशन फ्री एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने फोन को रोटेट कर लो कुछ इस तरीके से। अब हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा और ये जो टेक्स्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर डिलीट पर टच करके कुछ इस तरीके से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम 3 डॉट पर टच करेंगे, इमेज साइज पर टच करेंगे, कंस्टम पर टच करेंगे और यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पर टच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करके, फ्रॉम ग्लेरी पर टच करके हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे। तो इस तरीके का बैकग्राउंड आपको गूगल पर मिल जाएगा और बिना मेहनत से चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐसे बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम टच करेंगे, करने के बाद इस बैकग्राउंड को लॉक कर लेंगे ताकि मूव ना करे। ठीक है, अब हम इस फोटो के अंदर कोई भी नाम लिख लेंगे, आप अपनी पसंद के हिसाब से नाम लिख लेना है। नाम लिखने के लिए यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर टच करेंगे, टेक्स्ट पर टच करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डबल टैप कर देंगे, करने के बाद कुछ इस तरीके से बैक कर लेंगे उसे और हम हमारा नाम लिख सकते हो। आप अपनी GF का नाम लिख सकते हो या प्लस आप अपनी चैनल का नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरा नेम लिख देता हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम ओके पर टच कर देंगे और कुछ इस तरीके से उसे बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम ए पर आकर और यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो फॉन्ट का, यहाँ पर हम फॉन्ट पर टच करेंगे, अपने हिसाब से कोई भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है अपनी पसंद के हिसाब से। ओके पर टच कर देंगे, कुछ इस तरीके से ये फॉन्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो, थोड़ा कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर देना है, करने के बाद यहाँ पर कर्व करके ABC करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टच कर देना है। करने के बाद इसका जो लेंथ है वो आपको टार्डी या 25 रख सकते हो, उसका परसेंटेज में टार्डी दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से राइट पर टच कर देंगे और कुछ इस तरीके से बीचों बीच उसको सेट कर लेंगे। उसके नीचे भी आप कुछ लिख सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पर फिर से प्लस के आइकन पर टच करो, करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर टच करो, डबल टैप करो और कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लाइक लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ पर ओके पर टच करेंगे, करने के बाद इस लेटर को भी हम फॉन्ट देंगे। फॉन्ट देने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, फॉन्ट पर टच करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉन्ट दे देंगे, उसको भी कुछ इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेता हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर आएंगे और कुछ इस तरीके से उसका साइज भी 25 कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट पर टच कर देंगे। ये हमारा काम हो गया है, 50% काम हो गया है। अब उसको सेव करना होगा, उसके लिए यहाँ पर सेव पर टच करो, सेव एस इमेज पर टच करो, करने के बाद यहाँ पर कंस्टम पर टच कर दो, अल्ट्रा पर टच कर दो, सेव टू ग्लेरी पर टच कर देना है, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फ़ोटो लैब एप्लीकेशन को ओपन करने वाला हूँ। ये जो एप्लीकेशन देख सकते हो ये है फ़ोटो लैब एप्लीकेशन। सो इस एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से आएगा और भाई यहाँ पर आप ID मत बनाओ। ठीक है, ID बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्लियर नहीं कर पाओगे और क्लियर हो जाएगा तो फिर से ID बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट पर टच कर देना है। करने के बाद ये जो पॉपअप है उसे आप कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, ID मत बनाना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो ईटेड फोटो, ठीक है, यहाँ पर आपको टच करना होगा, अलाउ पर टच कर दो, कुछ इस तरीके से आएगा। आपने जो फ़ोटो अभी सेव किया है पिक्सल लैब एप्लीकेशन से उस फोटो को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो AI सीरीज करके, यहाँ पर आपको टच करना होगा, कुछ इस तरीके से स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली आपका फ़ोटो बना देगा। ये फ़ोटो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, बट हम ट्रेंड वाला अब फिल्टर को यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर देना है, करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा SAND करके। ठीक है, ये वाला फ़िल्टर आप यूज़ करना, ये फ़िल्टर ट्रेंड में है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टच कर देंगे और ये भी स्कैनिंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ गया है एक ही क्लिक में। ठीक है, अब देखो ये लेटर आपको अच्छा नहीं लगा है तो फिर से इसके ऊपर कुछ इस तरीके से टच कर दो और एक बार स्कैन होगा, दूसरे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग फ़िल्टर मिल जाएगा लेकिन हर कहीं फ्री नहीं है, जो फ्री है वो यूज़ करो। ठीक है,
तो ये लेटर मुझे बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर मैं राइट पर टच कर दूंगा। करने के बाद यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ है भाई, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो एडजस्ट, यहाँ पर हम आएंगे और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा कलर ग्रेडिंग हो जाएगा ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अप डाउन करके देख सकते हो, जहाँ सही लगे आप अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरीके से इरिटेट कर लेना है, ये थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर टच करेंगे, थोड़ा बैक कर लेंगे, थोड़ा अप कर लेंगे, देख लेते हैं कहाँ पर सही लग रहा है, कुछ इस तरीके से उसे सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम शेडो के ऊपर टच कर देंगे, थोड़ा शेडो दे देंगे, अपने हिसाब से आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो क्योंकि फ़ोटो अलग अलग होता है, तो आपको जहाँ सही लगे उस तरीके से आप सेट कर देना है ठीक है। अब इस फोटो का बैकग्राउंड हम थोड़ा कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बैकग्राउंड पर टच करेंगे, करने के बाद कुछ इस तरीके से उसे माइनस कर लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्काई करके, स्काई का कलर भी हम चेंज कर देंगे, कुछ इस तरीके से हाई कर लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वाटर ठीक है। तो ये जो पानी है इस समंदर का, पानी को भी हम कलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करने के बाद यहाँ पर आपको राइट पर टच कर देना है, करने के बाद यहाँ पर सेव पर टच करो, करने के बाद यहाँ पर सेव एस जे पी जी यहाँ पर आपको टच करना है, करने के बाद यहाँ पर सेव पर टच कर दो, कुछ इस तरीके से आपका फ़ोटो बनकर रेडी हो जाएगा। ये जो वाटर मार्क है उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, नहीं तो उसे क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर एडिट पर टच करो, करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉप का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से आप क्रॉप कर लो ठीक है। राइट पर टच कर देना है, ये वाटर मार्क भी हट जाएगा ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से एआई के जरिए से ऐसे फोटो आप बना सकते हो और बहुत खतरनाक लुक आता है ठीक है। तो ये एक पेड एप्लीकेशन है, आप समझ सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर 2-3 बार फोटो ऐड करने के बाद आपको बताएगा कि भाई पैसा दो, उसके बाद आप भाई ऐसे फोटो एडिट कर सकते हो। बट आप फ्री में कैसे कर सकते हो, एक ट्रिक बता रहा हूँ। मान लीजिए इस एप्लीकेशन के अंदर 2-3 बार आपने ट्राई किया है और पैसा देने के लिए कह रहे हैं, तो आप उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ इस तरीके से टैप करना है, ऐप इनफ पर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एस्टोर यूज़ करके, यहाँ पर आपको टच कर देना है, करने के बाद यहाँ पर क्लियर डाटा कर लो तो ये न्यू हो जाएगा ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, 100% रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और ये छोटा मोटा वीडियो है, वीडियो का अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।